सारे भाइयों ने राम राम। भाई मैं हूं तारा देसी, पत्रकार कर्मू। हमारे देसी पंचायत और देसी बैठक के प्रोग्राम चल रहे हैं पूरा हरियाणा में, तय व्हाट्सएप के माध्यम से और मेल का माध्यम से हमारे मुद्दे आने लग रहे हैं भाई। तो पिछले दिनों एक मुद्दा आया था, 8 जून ने बीएससी एग्रीकल्चर की प्रवेश परीक्षा हुई थी। हमने कम्युनिटी करके लोगों का, अपने दर्शकों का सवाल भी पूछा था भाई, कुछ लापरवाही जो आने लग रही है सामने, जैसे कि परीक्षा जो भवन है उसके अंदर दीवार घड़ी न होना और जो भाई अपने जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको चेकिंग के दौरान उनको उतरवाना बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो शुभम ने आवाज़ उठाई थी क्योंकि अन्याय जो है, अन्याय करना तो पाप है ही है, अन्याय सहना उससे भी बड़ा पाप है। तो देसी बैठक में खुद शुभम मार्गल मौजूद है और उनकी माता जी हैं जो सुषमा देवी, वो भी मार्गल मौजूद हैं। तो इन अपनी पीड़ा व्यक्त करने खातर मेरे तरफ फ़ोन इनके आए थे, तो देसी बैठक में ये शामिल हुए हैं। और बिना यदि आप कोई मान लो किसी गड़बड़ के समस्या के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे तो उसका हल नहीं होगा भाई। तो देसी बैठक में मौजूद हैं हमारे दर्शकों ने, राम राम कर दो पहले तो। शुभम तो हम शुरुआत कराएंगे, शुभम कद की बात है, कौन सा उसमें परीक्षा भवन मित्र वो आ रहा था सेंटर भाई, और क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ा था? 8 जून ने भाई बीएससी एग्रीकल्चर की प्रवेश परीक्षा हुई थी एचआईयू के लिए। अच्छा भाई, वो मेरा सेंटर था टीडीबी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल स्कूल राजगढ़ रोड नियर गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। अच्छा, तो क्या दिक्कत आई थी भाई? दिक्कत पहले तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने मेरा जनेऊ उतरवाया। अच्छा। और फिर आगे भी मैम ने भी लापरवाही की वजह से मेरा पेपर बहुत ख़राब हुआ। अच्छा, तो मैडम की क्या लापरवाही रही भाई? वो टाइम गलत बताती रही, पहले बोली कि 1 घंटा बचा हुआ है जब आधा घंटा बचा हुआ था, लेकिन जब बोली आधा घंटा बचा हुआ है जब टाइम ही पूरा हो चुका था, फिर वो दूसरे कमरे में भी गई टाइम पूछ के वापस आई तो फिर वो बोली टाइम हो चुका है फिर एकदम पेपर लेना। तो आपने टाइम नहीं मिला होगा करण खातर, मतलब आपके नूरा अभी आधा घंटा बच रहा है। यस, और उसकी वजह से मेरा फिजिक्स का पोर्शन सारा छूट गया। दीवार घड़ी लग रही थी? बिल्कुल भी नहीं थी दीवार घड़ी, भी नहीं थी। कितने बालक थे क्लास में? 24-25। अच्छा, इनकी माता सुषमा देवी मार्केल मौजूद है। बाण बेबे क्या दिक्कत आई? तू भी कैमरा का गई है तो कुछ तो दर्शक नू भी सोचेंगे भाई नंबर नहीं आया या पास नहीं आया, तो जहाँ था आए तो समस्या क्या है बता? नहीं नहीं करमू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है नंबर नहीं आए, क्योंकि जो इसने किया है उसमें इसने 64% मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये मैडम कोऑपरेट करती, बच्चों को मिस गाइड ना करती गलत टाइम बताकर, तो ये शायद क्लियर भी कर लेता पेपर। लेकिन आवाज़ हमने इसलिए उठाई है ताकि आगे आने वाले समय में कोई टीचर ऐसी लापरवाही ना कर सके और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना तो हो सके। उस टाइम इन बड़का ने भाई तो हमने कोई को नहीं भी दीवार घड़ी होनी चाहिए जी, या बात कहनी चाहिए थी तुमने? उस मैम के पास घड़ी थी, हमने सोचा वो टाइम बताएगी, लेकिन उसने ही टाइम गलत बता दिया। हाँ बेबी के को जी कर्म भाई, सबसे पहले तो दीवार घड़ी जरूर होनी चाहिए, ये प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है, स्कूल मैनेजमेंट की, कॉलेज मैनेजमेंट की, कॉलेज मैनेजमेंट की लापरवाही है। अच्छा। लेकिन अगर दीवार घड़ी नहीं है तो कम से कम ऐसे टीचर की ड्यूटी लगाओ जो अपना बिल्कुल केयरफुल होकर अपनी ड्यूटी को करे, केयरलेस होकर नहीं। उसने उसकी लापरवाही की वजह से बच्चों के भविष्य खराब हो गया बिल्कुल। तो कोचिंग वगैरह भी दिलाई थी इसको? हाँ कर्मो भाई, इसको हमने अवर्स अकेडमी में कोचिंग दिलवाई, 50,000 हमारे खर्च हो गए। बच्चे ने भी दिन रात मेहनत की, 12 बजे रात को ये लाइब्रेरी से आता था, आने के बाद भी 1-2 बजे तक पढ़ता था, दिन रात एक कर रखा था, चश्मे का नंबर तक इसका बढ़ गया इस वजह से। तो कि मुझे अच्छा तो लग गया आध घंटा का जो धोखा नहीं बनता इसके लिए, जो बड़ाखा बन गया, मैडम ने कह दिया भी टीम रह रहा है और इसका धोखा लग गया, तो उस आध घंटा जब मिल जाता तो इसका कुछ रिजल्ट और हो सकता था कुछ लग? बिल्कुल कर्मो भाई, शायद ये क्लियर कर लेता, क्योंकि 64% इसने लिए हैं जो फिजिक्स को छोड़कर जो सब्जेक्ट थे, तो शायद अगर मैडम टाइम सही बताती तो शायद क्लियर हो जाता। लेकिन क्लियर मान लीजिए ये 1-2 नंबर से रह भी जाता तो इतना दुख नहीं था, कि बच्चे को कॉन्फिडेंस मिलता कि हाँ आगे मतलब कर सकता है। सेकंड टाइम में और थोड़ी मेहनत करूँगा तो आराम से क्लियर आने के बाद इसको काफ़ी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, और पहले भी सपने में भी मैडम अभी आधा घंटा रहता आप तो कह रहे थे, ऐसे बड़बड़ाया 1-2 दिन तो ये। तो बेबेनू बता, हमारा चैनल के माध्यम से सरकार तक या फिर स्कूल कॉलेज प्रशासन तक क्या अपील करना चाहोगे? कर्मू भाई, मेरी सबसे बड़ी अपील यही है इस प्रशासन से कि सबसे पहले तो दीवार घड़ी जरूर होनी चाहिए। अच्छा। ताकि बच्चे पूछने की बजाय, क्योंकि पूछने में भी कंसंट्रेट हटता है पेपर से, टाइम लगता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती पूछने और बताने की, सामने वॉच है। अगर समस्या फिर मैडम की लापरवाही, समस्या तो सबसे बड़ी गलती मैडम ने कर दी, टाइम गलत बता दिया, जब 1 घंटा था तो कहती 1.5 घंटा रहता है, जब आधा घंटा था कहती 1 घंटा लेफ्ट है, और जब पूरा टाइम हो गया तो कहती 1.5 घंटा रहता है, दूसरे फिर बैल हो गई इतने में क्योंकि टाइम पूरा हो चुका था। तो
सेंटर था टीडीपी सीनियर सेकेंडरी मॉडल स्कूल में। यस, तो भाई कुल मिलाकर बहुत बड़ी लापरवाही आई है और देसी बैठक में शुभम और उनकी माता हमारे साथ शामिल हुई हैं। मेरे तरफ फोन आने लग रहे थे, तो पहली बात तो धार्मिक चिन्ह जो जरेऊ है वो उतरवा लिया गया, वाली बात। दूसरी बात जो बेबे कहने लग रही है, जो कर भी 50,000 रुपये हमारा खर्चा आवर्स अकेडमी इशार में कोचिंग भी दवाई थी, दिन रात शुभम ने मेहनत भी करी थी, रात ने 12-12 एक बजे लग इसने मेहनत करी। और सबसे बड़ी बात हमारी बाण नू कहने लग रही है भाई, मान लो चलो क्लियर ना होया लेकिन कम से कम नज़दीक लग जाता, इसका कॉन्फिडेंस भी बना रहता, कॉन्फिडेंस नहीं टूटे है। तो इसने जो एक मान लो जो आधा घंटा का बड़ेखा मैडम की वजह से होया जो उस लापरवाही का। हाँ बेबी, बच्चों ने कहा कि मैम आप तो कह रहे थे आधा घंटा रहता है अभी, तो मैडम ने कहा कि मुझे लगा 3 घंटे का पेपर है। तो इतनी केयरलेस जब ड्यूटी करते हैं मैडम कि उनको यही नहीं पता पेपर रोल नंबर पे होता है, टाइम लिखा हुआ, कम से कम उस पे देख लो। तो इस लापरवाही का नुकसान मैडम ने तो 1 मिनट लागी इनका टाइम का बड़ाखा बनाने में, माम नहीं कहते मैडम ने जाने का करा, लेकिन लापरवाही तो लापरवाही है, उसकी लापरवाही थे बच्चों का भविष्य खराब हुआ है। हमारी भी अपील है भाई, इसे ऐसा जो स्टाफ हो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो कर पहली वीडियो तो हमने ज़्यादा शेयर करी है ताकि किसी भी बालक का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हुए, जो कर पहली वीडियो शेयर करी है भाई, ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो ने भी, ताकि किसी भी बालक का भविष्य के साथ खिलवाड़ ना उसके। और जो कॉलेज की जो मैनेजमेंट है उसने भी ध्यान देना पड़ेगा भाई, अपना जो परीक्षा भवन है उसमें दीवार घड़ी जरूर लावे। और रही बात भाई चेकिंग की, चेकिंग के लिए भी एक पैरामीटर या क्राइटेरिया बनाना चाहिए भी, कौन सी चीज़ तो उतरवाण की है, कौन सी चीज़ अटवाण की है, कौन सी डिजिटल चीज़ अटवाण की है चेकिंग के दौरान जब परीक्षा देने जा वहाँ पर, और कौन सी चीज़ नहीं अटवाण की है, ताकि किसी की भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना उसके। तो भाई मुद्दा है ये बहुत बड़ा, इसलिए लेकर आए हैं इस देसी बैठक में शामिल हुए हैं। और भाई इसे डाल की और भी समस्या हमारे द्वारा खूब आ रही हैं, लेकर तार तक आवाएंगे ताकि किसी भी बालक का भविष्य के लिए खिलवाड़ ना हो। और इनने न्याय की गुहार लाई है, प्रशासन तक और सरकार तक अपील करी है, जोड़े की मैनेजमेंट है उस पर भी कार्रवाई करी जावे, और इन फ्यूचर भविष्य में भाई दीवार घड़ी की व्यवस्था जरूर करी जावे। तो इस देसी बैठक में तमाम हमारे लिए जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ थारा देसी पत्रकार करमू, जय हरियाणा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।